Hi everyone, welcome back to our channel Rasayan Duniya. So recently we had completed about alkaloid series. In the alkaloid series, one alkaloid is remain, that is morphine. अभी तक हमने alkaloid series है उनमें मैंने 24 videos हैं वो upload कर दिए, but अभी भी एक alkaloid है वो बचता है. इसमें सिर्फ एक alkaloid ही बचा alkaloid series में, जो कि बचता आपका morphine. Now alkaloid series का जो morphine है वो complete, वो कब complete होगा? 5 alkaloids हैं वो already uploaded हैं. Alkaloids का जो structure determination होता है, उनका जो classification है, nomenclature, general introduction वगैरह सारी चीजें मैंने अपलोड कर दी है. एल्कलॉइड सीरीज में सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो बचता है आपका मॉर्फिन, जिसके रिगार्डिंग आई थिंक 4 या 5 वीडियोस होंगी जिसमें मैं मॉर्फिन को कंप्लीट कर दूंगी. बट अभी नहीं होने वाला है मॉर्फिन, और अभी नहीं होने वाला उस चीज का रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जितना मैंने आपको करा है उससे आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एग्जाम डेट है वो आ चुकी है. मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज की एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, सो दैट आपको वो कैसे कंप्लीट करना है. उस एक मॉर्फिन के पीछे आपको पूरी यूनिट है वो खत्म, वो खराब नहीं करनी. सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है, कहीं ये सोचो कि मॉर्फिन नहीं करा है तो हम तो पूरी की पूरी यूनिट ही रह गई. नहीं, सिर्फ एक अकेला एल्कलॉइड ही बचता है, ठीक है. और एल्कलॉइड से क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जाता है, चाहे कोई भी यूनिट हो, उससे 2 क्वेश्चन से वो पूछे जाते हैं. 2 में से कोई आपको एक अटेम्प्ट है वो करना होता है, ठीक है. अभी एल्कलॉइड में फिर आपको क्या करना है, तो एल्कलॉइड में देखिए सिंपल सा है, सिर्फ मॉर्फिन ही तो बचा है ना, बाकी 5 एल्कलॉइड है वो आपको करा दिए हैं. एल्कलॉइड का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वगैरह, डिग्रेडेशन वगैरह, वो सारी चीज मैंने आपको करा दी. स्पेशली यदि मैं बात करूं डिग्रेडेशन की, तो डिग्रेडेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो डिग्रेडेशन वाले जो तीनों मेथड्स हैं वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने. तीनों मेथड्स कौन कौन से हैं वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो वो आप जाके सीरीज में देख सकते हैं, ठीक है. एल्कलॉइड सीरीज का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो दैट आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं. एंड आपने चेक कर भी लिया होगा एल्कलॉइड्स है वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने साथ के साथ में कवर कर लिया. हैंड रिटन नोट्स भी आए हो आपने बनाए होंगे, सो दैट वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है. अभी आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज तो ये, तो आपको एल्कलॉइड वो अच्छे से प्रिपेयर करना है. जितने 24 वीडियोस मैंने कराए हैं उनमें से आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि देखिए एक तो आपका मॉर्फिन ऑलरेडी बचा हुआ है. अब उसमें से भी, अब जो मैंने आपको करा है उसमें से भी फिर यदि आप सिलेक्टिव करते हो तो फिर आपका यहां से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्या पता एग्जाम में मॉर्फिन ही पूछ लिया जाए. तो एक पार्ट में यदि मॉर्फिन पूछा जाता है तो आपका दूसरा पार्ट है वो तो सेफ रहेगा. दूसरा पार्ट इन द सेंस कि यदि डिग्रेडेशन मेथड वगैरह पूछे जाते हैं, यदि आपने सिर्फ 5 एल्कलॉइड किए हैं तो फिर आपके रिस्की पॉइंट हो सकता है, ठीक है. तो आपको एल्कलॉइड्स में से कुछ भी नहीं छोड़ना है जितना मैंने कराया है उसमें से. अभी मॉर्फिन का वीडियो अभी क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं, तो इस चीज का रीजन देखिए ये है, क्योंकि आपको भी सबको बताया कि मेरी पीएचडी है वो भी चल रही है, आई एम पर्सनल पीएचडी. तो मेरा कुछ पीएचडी का वर्क है जो कि मुझे करना था बहुत पहले, बट बीच में आप लोगों ने बोला कि मैम एल्कलॉइड स्टार्ट कर दो, तो मैंने कहा ठीक है चलो छोड़ते हैं एक बार अपना, पहले बच्चों का कराते हैं, ठीक है. बट अभी उसको मैं कितना डिले करूं, मेरे प्रोफेशन ने जैसे ही मुझे बोला कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर रिव्यू आर्टिकल, देन मैं अब क्या जवाब दूं उनको, क्योंकि अब तो फिर मैंने तो वो स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक, क्योंकि डेली की आपको पता है मैंने 3 वीडियोज हैं वो तो मैंने इन द 24 आवर, विद इन 24 आवर मैंने 3 वीडियोज हैं वो अपलोड किए हैं डेली. 3 वीडियोज रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, उनका एडिटिंग वगैरह सारी चीजें सब कुछ कर रही हूँ. और ये चीज आपको भी पता है, मैंने वीडियो में भी कई बार बोला है कि एल्कलॉइड वो मैंने भी फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ा है, ठीक है. पहली बार मैंने भी एल्कलॉइड पढ़ाया है. जब एमएससी हमारी होती है तो कितना पढ़ते हैं, कैसा हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है. मैंने भी पहली बार पढ़ाया है और मैंने अपना 100% देने का ट्राई किया है, तो उसके लिए मुझे कितना पहले पढ़ना पड़ा होगा. जब हम ऑनलाइन यहाँ पे खड़े होकर कुछ पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उससे पहले हमें ऑफलाइन स्टडी बहुत ज्यादा करनी होती है. तो मैंने खुद ने पढ़ा भी है, आप लोगों को पढ़ाया भी है, वीडियोज रिकॉर्ड किए हैं, एडिट किए हैं, अपलोड किए हैं, सारा सब कुछ प्रोसेस किया है. एक एक दिन में मैंने 3 वीडियोज लगाए, तो उस ड्यूरिंग मुझे कितना टाइम मिला होगा आप लोग आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से. तो अभी मुझे मेरा पीएचडी का कुछ वर्क है जो कि कंप्लीट करना है, सो दैट मुझे चाहिए 1 हफ्ते का ब्रेक, ठीक है. मुझे 1 हफ्ते का ब्रेक चाहिए. अब इसमें आप लोग ये मत बोलना प्लीज कि मैम आप कभी आते हो कभी चले जाते हो. इनिशियली मैंने सोचा था, क्योंकि अभी भी मैंने 2 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, ठीक है. इनिशियली मैंने सोचा था कि चलो ठीक है 1 हफ्ते का ब्रेक ले लेते हैं, देन मैं वीडियोज अपलोड कर दूंगी फिर से. बट फिर ना वही बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे हैं कि मैम मॉर्फिन का वीडियो अपलोड करो, मैम नेक्स्ट वीडियो कब आएगा. तो मैंने सोचा चलो एक बार के लिए मैं बता देती हूँ दैट आई वांट अ ब्रेक फॉर 1 वीक, ठीक है. और ये इस बार ही है बिकॉज ऑफ माय वर्क, ठीक है. इसमें देखिए मेरा भी, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी मेरा थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरी स्टडी के लिए जो कि मुझे रिक्वायर्ड है. इस बार मैं हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, बट मैं मेरी स्टडी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, ठीक है. हेल्थ के साथ में मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, वीडियोस के लिए कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज, ठीक है. मुझे टीचिंग का इतना पैशन, इतना जुनून है कि उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ. हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, बट करियर के साथ में नहीं,
ठीक है, क्योंकि वो मेरा भी इंपॉर्टेंट है, सो दैट इसीलिए मेरे को एक हफ्ते का ब्रेक चाहिए। तब तक आप लोगों को डिसाइड ये करना है कि इसके बाद आप लोगों को कौन सा पेपर पढ़ना है। ये चीज मुझे पता है कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, एग्जाम आप देने वाले हैं, बट फिर भी आपको आपकी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम दे दिए चलो छोड़ दिए, क्योंकि आप लोग एमएससी फाइनल ईयर में, एमएससी फाइनल का मीनिंग क्या होता है कि अभी आप मास्टर्स हो चुके होंगे। ठीक है, अभी आप मास्टर्स हो जाएंगे, विद इन 1 or 2 months आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो भी आपको करना आप डिसाइड करेंगे फर्दर, बट तब तक आपको अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रखनी है। तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको नेक्स्ट पेपर है वो कौन सा स्टार्ट करना है। यूनिट है वो मैं फिर देख लूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक स्टूडेंट है वो अलग अलग पेपर बता रहा है दैट मैम ये स्टार्ट कर दो ये स्टार्ट कर दो। कोई भी एक पेपर वो डिसाइड कर लेना, जो भी पेपर है उस पे ही उसकी उसी कमेंट पे लाइक्स, जिस वाले कमेंट पे, जिस पेपर पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे मैं वही पेपर स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो पेपर आप लोगों को डिसाइड करना है, यूनिट मैं डिसाइड कर लूंगी, क्योंकि सिलेबस है वो देखिए अभी तो इतना जल्दी पूरा नहीं हो सकता सिलेबस, ये चीज आपको भी पता है इतना जल्दी नहीं हो सकता। ठीक है, एमएससी का सिलेबस कोई छोटा सा सिलेबस नहीं है। बीएससी की वीडियोस को तो मैंने बिल्कुल ही साइड में कर दिया एक बार के लिए, मैंने सोचा चलो पहले एमएससी का ही कराते हैं उसके बाद बीएससी का देखते हैं, क्योंकि बीएससी का ऐसा कुछ होता है कि बच्चे खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड बीएससी वाले बच्चे हैं वो इतने ज्यादा सीरियस होते भी नहीं है आई थिंक ऑनलाइन के लिए, बिकॉज वो एग्जाम टाइम में पढ़ने वाले हैं। एमएससी वालों को थोड़ी टेंशन रहती है कि चलो हमें कुछ करना है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मेरे को बताना है कि कौन सा पेपर है जो मुझे स्टार्ट करना है। यूनिट फिर मैं देख लूंगी कि कौन से स्टार्ट करनी है। ठीक है, पेपर आप लोगों को सजेस्ट करना है, क्योंकि जो आप लोगों को चाहिए मैं वही स्टार्ट करूंगी। सेकेंड पॉइंट ये कि हाँ मुझे एक हफ्ते का ब्रेक चाहिए, तो इस चीज के लिए प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोगों को भी करना होगा, क्योंकि मैं बीच में कई बार गई हूं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन इस बार वाला बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई हैव रिक्वेस्ट 1 week ब्रेक, ठीक है, सिर्फ एक हफ्ते का ब्रेक, एक हफ्ते में इस बार पक्का वापस आ जाऊंगी। ठीक है, और आपको फिर से कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगे। सो बस आज के वीडियो में मेरे को यही बताना था, क्योंकि मेरे को लगा कि एक बार के लिए तो मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे लगा कि चलो रहने देते हैं वीडियोज अपलोड करना, लेकिन फिर मेरे को लगा कि पहले एक बार के लिए मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए आप लोगों को दैट आई एम ऑन ब्रेक। ठीक है, सो बस इतना ही था, और एग्जाम सभी को बहुत अच्छे से करने हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और बस खुद पे बिलीव रखिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, और पढ़ाई तो करनी है, उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला, कहीं ये सोच के बैठ जाओ ओ मुझे तो खुद पे भरोसा है मैं कर दूंगा 100% कर दूंगा कर दूंगी, तो उससे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए जो स्टडी है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, स्टडी मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर बेटर रिजल्ट। ठीक है, फॉर बेटर रिजल्ट स्टडी वो तो जरूरी होती है। तो बस इतना ही था आज के वीडियो पे, तो मुझे सिर्फ यही बताना था कि आई एम ऑन ब्रेक, और तब तक के लिए आपको यूनिट है वो पेपर वो सजेस्ट करना है दैट कौन सा पेपर है वो मुझे स्टार्ट करना है नेक्स्ट। आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू।